इन चार लोगों के नाम है पंकज सिंह, अमरजीत, जगजीवन यादव और कुलदीप सिंह। ये चारों लोग एक इम्पॉर्टेंट इनका इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। ये संबंधित लोगों से पैसे ले लिया करते थे, 15 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे अलग अलग इन लोगों ने लोगों से पैसे लिए थे ताकि ये उनकी जगह पर सॉल्वर के तौर पर एग्जामिनेशन के अंदर बैठे और बैठ के उनका पेपर्स एग्जीक्यूट करें। एक प्रॉपर सॉल्वर्स की टीम दूसरी साइड में बैठी हुआ करती थी जो स्पाई माइक के दूसरी तरफ बैठ के और कम्युनिकेशन उन दोनों में एस्टैब्लिश होता था और ये एग्जामिनेशन को अंजाम दिया करते थे। फिर जब पेपर आ जाता था तो पेपर का रिजल्ट जब आ जाता था तो फिर पूरा इनके पैसे की डिलीवरी। तो सॉफ्टवेयर से फोटो कैसे मिल सकते थे? देखिए, इनके द्वारा ये बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इनके पास था जिससे जो व्यक्ति जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठ रहा है और जो जो मेन आदमी है उन दोनों की फ़ोटो को मिक्स करके ये लोग किसी तरीके से काम किया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट मोडस ऑपरेंडी है, पुलिस इस पर भी काम कर रही है। सर, टीटी परीक्षा के अलावा और भी परीक्षा ये सॉल्व करें? हाँ, और भी इन लोगों ने बताया, और भी दूसरी परीक्षाओं में भी इन लोगों ने इस तरह का काम किया। ठीक ठीक।